हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास के जो 7th लेसन के जो पोएम है, एम आई ए चाइल्ड, क्या मैं बच्ची हूं, क्या मैं बच्चा हूं। तो यहां पर फ्रेंड्स हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही बढ़िया पोएम है और यहां पर बताया गया है, यहां पर पूछ रही है, ये जो यहां पर आपको बच्ची दिख रही है, ये कह रही है क्या मैं बच्ची हूं या फिर मैं वयस्क हूं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है और उसके पीछे कुछ तर्क भी दे रही है कि क्यों मैं बच्ची नहीं हूँ और क्यों मैं वयस्क नहीं हूँ। तो चलिए हम इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और हम आपको यहाँ पर बताते हैं इसका जो भावार्थ है हिंदी में। एम आई ए चाइल्ड और एन अडल्ट, क्या मैं एक बच्ची हूँ या फिर एक वयस्क हूँ। नो, नॉट अ चाइल्ड नाउ, यहाँ पर कह रही है नहीं, मैं अभी बच्ची नहीं हूँ। माई डॉल्स आर गॉन, मेरी जो गुड़िया है वो जा चुकी है। माई ड्रीम्स वर्ल्ड हैज़ रिपल्ड अवे, मेरे जो गुड़िया के खेलने के जो सपने हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आई एम टॉल, मैं लंबी हूँ। आई अंडरस्टैंड एडल्ट टॉक, मैं जो वयस्कों की जो आवाज़ है, जो उनकी जो भाषा है, उसको मैं समझ सकती हूँ, उनकी बातों को समझ सकती हूँ। बट डज दैट मीन दैट आई एम एन अडल्ट, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक वयस्क हूँ। अगला जो पैराग्राफ है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कहा जा रहा है एम आई एन अडल्ट और ए चाइल्ड, क्या मैं एक वयस्क हूँ या एक बच्ची हूँ। तो यहाँ पर आगे कहा जा रहा है नो, नॉट एन अडल्ट, मैं एक वयस्क नहीं हूँ। आई कुडंट लुक आफ्टर माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती, खुद की देखभाल नहीं कर सकती। द अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट नॉट देयर, मेरी जो समझ है अभी उतनी नहीं है जितनी वयस्कों की होती है। आई पे ए हाफ फेयर ऑन ए बस टू स्कूल, और स्कूल में जाने वाले बस में मुझे आधा किराया, मैं अपना आधा किराया पे करती हूँ। तो बट डज दैट मीन दैट आई एम ए चाइल्ड, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक बच्ची हूँ। यहाँ पर वो जो तर्क दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मैं अपनी रखवाली नहीं कर सकती, मैं अपनी देखभाल नहीं कर सकती, और मेरी जो समझ है अभी उतनी नहीं है जितनी वयस्कों की होती है। और अभी भी मैं जब स्कूल बस में बैठती हूँ, स्कूल बस में, तो मुझे आधा किराया लगता है। तो ये एक तर्क है कि ये बच्चों को ही लगते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मैं अभी बच्ची हूँ, और बट डज दैट मीन, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं एक बच्ची हूँ। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है, अगले पैराग्राफ में आप देखेंगे, एम आई ए चाइल्ड और एन अडल्ट, क्या मैं एक बच्ची हूँ या वयस्क हूँ। नो, नॉट ए चाइल्ड नाउ, मैं अभी बच्ची नहीं हूँ। इट्स नॉट ए टैडी आई लव, अब मैं टैडी को प्यार नहीं करती। हिज चेरिस्ट पोजिशन इज टेकन, अब उसकी जो जादुई झलक थी, जादुई मेरी नज़र में उस टैडी बियर की जो छवि थी वो जा चुकी है। जस्ट बिकॉज माई टॉयज हैव लॉस्ट देयर वैल्यू, अब मेरे जितने भी खिलौने थे उन्होंने सभी ने अपना मूल्य खो दिया है, अब मेरे महत्व के नहीं है। डज दैट मीन, लेकिन क्या इसका मतलब ये है दैट आई एम एन अडल्ट, कि मैं एक वयस्क हूँ। वयस्क मीन्स होता है, सामान्य तौर पर आप देख सकते हैं कि जो 18 से जो अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें वयस्क मान लिया जाता है सामान्य तौर पे। अगला जो यहाँ पे पैराग्राफ है उसमें आप देखेंगे एम आई एन अडल्ट और ए चाइल्ड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या मैं वयस्क हूँ या एक बच्ची हूँ। नो, नॉट एन अडल्ट, मैं अभी वयस्क नहीं हूँ। आई डू नॉट सी, मैं नहीं देखती। द रीजन फॉर अडल्ट डिस्प्यूट्स, वयस्कों के जो विवाद होते हैं उनके कारणों को मैं नहीं देखती। आई एम सेफ इन नॉन अंडरस्टैंडिंग, और उनको ना समझने में से मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। बट डज दैट मीन, लेकिन क्या इसका मतलब ये है दैट आई एम ए चाइल्ड, कि मैं एक बच्ची हूँ। जो लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर आप देखेंगे, वेल, अच्छा, आई एम ए चाइल्ड, मैं एक बच्ची हूँ, क्या मैं एक बच्ची हूँ और एन अडल्ट, क्या मैं एक वयस्क हूँ। नो, नॉट वन और द अदर नाउ, यहाँ पर कहा जा रहा है
ना मैं यह हूँ और ना मैं वह हूँ, यानी कि नॉट वन, ना तो मैं बच्ची हूँ और ना ही मैं एडल्ट हूँ। वन पेस इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड, एक क्षण इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड, बचपन के आगे एक क्षण है, एंड वन बिहाइंड एन एडल्ट, और उसके एक कदम पीछे वयस्कता है। सून आई शैल स्ट्राइड इन टू ए न्यू वर्ल्ड, बहुत ही जल्द मैं एक नई दुनिया में जाने वाली हूँ, द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट लाइफ, वयस्क जीवन की दुनिया में। तो ये फ्रेंड्स इसका जो भावार्थ है बहुत ही सिंपल है, बस यहाँ पर जो मीनिंग है थोड़ा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीनिंग आपको देखने पड़ेंगे और वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर सभी मीनिंग्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने आपको उपलब्ध करा दिए हैं। तो इसके जो पोइट हैं वो है मार्गरेट लॉरेंस, इन्होंने इस पोइम को लिखा हुआ है MIA चाइल्ड। तो फ्रेंड्स ये पोइम आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।